फुल प्रूफ सुरक्षा के दावों के बावजूद हिमाचल प्रदेश पुलिस की बढ़ती वृक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कांगड़ा जिले के परौर स्थित जिले के एकमात्र केंद्र में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे उत्तर प्रदेश व हरियाणा के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के बयानों के आधार पर 7 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि आरोपियों के प्रति युवक ने 1 लाख रुपए की डील की थी। ये कार्यवाही CID ने की है और पुलिस थाना बवारना में मामला दर्ज कर लिया है। फुल प्रूफ सुरक्षा के दावों के बावजूद हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। कांगड़ा जिले के परौर स्थित जिले के एकमात्र केंद्र में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे उत्तर प्रदेश व हरियाणा के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के बयानों के आधार पर 7 अन्य को भी गिरफ्तार किया है। पता चला कि आरोपियों ने प्रति युवक से 1 लाख रुपए की डील की थी। ये कार्रवाई CID ने की है और पुलिस थाना बवारना में मामला दर्ज किया है। प्रदेश भर में पुलिस में कांस्टेबल के 1063 पदों के लिए 36,315 युवाओं ने परीक्षा दी। कांगड़ा जिले में पुलिस विभाग में 264 पद भरने के लिए लिखित परीक्षा रविवार को परौर स्थित सत्संग भवन में बनाए गए केंद्र में हुई। परीक्षा हॉल में 6 युवक फर्जी एडमिट कार्ड बनाकर दूसरे के पेपर देने पहुंचे थे। CID की धर्मशाला टीम ने आरोपितों को पकड़ा और इनके बयानों के आधार पर 7 अन्य को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अनुराग निवासी कलानौर जिला रोहतक हरियाणा, मंदीप निवासी शांति नगर गली नंबर 3 जिला पुलिस थाना थानेसर जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा, प्रशांत कुमार निवासी लाहड़पुर हाथरस उत्तर प्रदेश, कुलदीप निवासी गाँव चौसाला तहसील कलामत जिला कैथल हरियाणा, नवीन कुमार निवासी लाहड़पुर हाथरस उत्तर प्रदेश, सुभाष कुमार निवासी बीटा मिल्क प्लांट जोगिंदर नगर जींद हरियाणा, रुस्तम अली निवासी गांव नगरोटू डाकघर दरकाती तहसील जवाली कांगड़ा, रघुवीर सिंह निवासी गांव नागला जांडू डाकघर व पुलिस थाना हाथरस जंक्शन जिला हाथ उत्तर प्रदेश, विक्रम निवासी दरकाती तहसील जवाली कांगड़ा के रूप में हुई। इसके अलावा 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। विक्रम से लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई है। 12 बजे लिखित परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन CID को सूचना मिली थी कि परीक्षा में गड़बड़ी होने वाली है। DSP CID वीर बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल विजय कुमार व कांस्टेबल करण सिंह ने 11:45 पर अभ्यर्थियों की जांच शुरू कर दी। उस समय परीक्षार्थियों को चेस्ट नंबर के अनुसार बिठाया जा रहा था। एडमिट कार्ड स्कैनिंग के समय CID टीम ने पाया कि परीक्षार्थी बिनती कुमार की जगह प्रशांत कुमार बैठा था। पहला मामला सामने आने के बाद अन्य की जाँच की तो पता चला कि अखिल काटल की जगह हरियाणा के अनुराग, मनीष चौधरी के स्थान पर कुरुक्षेत्र का मनदीप और कमल की जगह कुलदीप परीक्षा देने बैठा था। उत्तर प्रदेश का नवीन कुमार और जिंद का सुभाष भी दूसरे की जगह पेपर दे रहा था। प्रशांत केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगाकर भीतर पहुंचा था। उत्तरी रेंज के DIG संतोष पटियाल से जब मीडिया से पूछा कि पुलिस की असफलता है तो उन्होंने कहा कि पुलिस की असफलता नहीं कह सकते, पुलिस ने इनको समय से पहले ही भांप लिया था। उन्होंने कहा कि इसको तो कामयाबी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस सेंटर में 11,558 परीक्षार्थियों ने लिखित परीक्षा देनी थी तो इतने परीक्षार्थियों में कुछ एक को पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि पुलिस की भर्ती में कोई ऐसा कर सकता है तो किसी भी अन्य भर्ती में भी ऐसा कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है और भविष्य में किसी भी विभाग की भर्ती के लिए बहुत बढ़िया है कि ये स्कैम सामने आ गया। संतोष पटियाल ने बताया कि इस स्कैम में अब तक 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें 10 लोग बाहरी राज्यों से हैं, 7 हरियाणा से, 2 यूपी से और 1 राजस्थान से है और 3 हिमाचली भी अरेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी जगह ये लोग लिखित परीक्षा देने आए थे उनकी धरपकड़ के लिए रेड हो रही है और जल्दी ही वो लोग भी पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा स्थानीय मास्टरमाइंड को उन्होंने पहचान कर ली है, उसकी धरपकड़ जारी है। उन्होंने कहा कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह हो सकता है। को फेलर नहीं कह सकते क्योंकि इन लोगों को हमने बिफोर टाइम ही अपरेंट कर लिया था और राधे इसको एक तरह से कामयाबी कह सकते हैं कि जिस तरह से इंपर्सोनेशन करके रखी थी और 11,558 कैंडिडेट्स ने वहां पे रिटर्न एग्जामिनेशन देना था और जिस स्केल का एग्जाम है उसमें कुछ लोगों को पिन पॉइंटेडली पकड़ना तो और उसके बाद उनसे बाकी चीजों के लिए इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना कोई आसान काम नहीं होता है क्योंकि उसमें जो फ्रिस्किंग वाले लोग हैं या अंदर इन्विजिलेटर्स हैं
उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर चीज को बड़े क्लियरली देख सकें। तो इस तरह से इसे आपको इसको ये समझे कि ये फर्दर रिक्रूटमेंट चाहे किसी भी विभाग की भी रहे, क्योंकि अगर आदमी पुलिस की भर्ती में ऐसा कर सकता है तो दूसरे रिक्रूटमेंट में भी ऐसा कर सकता है। तो इसके लिए किसी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी रिटर्न का प्रोसेस है हमारा, उसके ओवरऑल स्टेट की रिक्रूटमेंट के लिए अच्छा हुआ कि स्कैम सामने आ गया और इसके तहत लोग अरेस्ट होंगे और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे किसी भी स्तर के भी रहे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर क्या इनपुट्स इससे पहले हमें मिल चुके थे या फिर ये उसी वक्त पता चला कि ये इस तरह? देखिए कुछ चीजें प्रोफेशनल प्रोप्राइटी के कारण हम शेयर नहीं करते हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये सारा, लेकिन पकड़े गए हैं तो पकड़े गए हैं। तो सर कितने टोटल अभी हुए हैं और कहां का कोई मास्टरमाइंड जो था सुने में आ रहा है कि क्लियर है? इसमें 13 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं जिसमें 10 लोग आउट ऑफ स्टेट हैं, 7 हरियाणा के हैं, 2 यूपी के हैं, 1 राजस्थान का है और 3 हिमाचली अरेस्ट हो चुके हैं। और अभी जो जो इसमें बेनिफिशरीज थे उनको हम लोग उनके यहाँ पे रेड्स का चालू है और जल्दी वो लोग भी पकड़े जाएंगे। और जिसमें जो ये लोकल मास्टरमाइंड है, बाहर के मास्टरमाइंड भी इसमें हो सकते हैं, तो जो लोकल मास्टरमाइंड है उसका हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, वो स्टेटमेंट में लोगों की आ गया है, उसको हमने पकड़ने के लिए धरपकड़ जारी है और आशा है कि जो इसके ये मास्टरमाइंड और इसके कंप्लीसीज जो हैं उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे।